मशरूम सूप बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम मशरूम लिया है, इसको वॉश कर लिया है, इसको हम कट करते हैं। इसको हम पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। कट कर लिया सारा मशरूम। एक कढ़ाई में थोड़ा सा बटर लेंगे, गरम करते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी अदरक डाल दूंगी कद्दूकस की भी, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। अदरक को फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें कटे हुए मशरूम डाल दूंगी, मिला लेते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, मिला देंगे। इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। मशरूम को थोड़ा पकने देते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं और ये मशरूम पक गए हैं। गैस बंद कर देंगे और मैं आधे से ज्यादा मशरूम निकाल लूंगी। थोड़े से मशरूम हम पैन में रहने देते हैं। हमने जार में निकाल लिया, इसको हम पीस लेंगे। इसको हमने पीस लिया है। अब सेम कढ़ाई में जो हमने पीसा हुआ पेस्ट ये हम डाल देंगे और इसमें मैं 2 कप पानी डाल दूंगी, मिला देते हैं। और मैं अब 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर का यूज कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसका पेस्ट बना लेते हैं और इसको मैं इस सूप में डाल दूंगी, मिला देंगे। मैं इसमें 1/2 कप पानी और मिला रही हूँ क्योंकि कॉर्नफ्लोर पाउडर डाला हुआ है, सूप अभी थोड़ा सा गाढ़ा होगा। बॉईल करते हैं इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। देख लेते हैं, अभी सूप बॉईल होने लगा हुआ है। अब मैं इसमें 2 चम्मच क्रीम मिला दूंगी, कंप्लीटली ऑप्शनल है क्रीम, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप मिलाइए, नहीं तो फिर कोई जरूरत भी नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी मिला दे रही हूँ, अगर नमक कम हो, क्योंकि हमें नमक पहले ही मिलाया हुआ था। क्रीम को मिला देंगे, नमक को मिला देंगे और इसको मैं 1 मिनट के लिए बॉईल करूंगी। ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब मैं थोड़ी सी इसमें कटी हुई हरी धनिया डाल दूंगी और इसके ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और मिला देते हैं। गैस बंद कर देंगे और ये हमारा सूप रेडी है। इसको सर्व कर लेंगे। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मशरूम की स्लाइसेस डाल दूंगी। गार्निशिंग हम क्रीम से कर देंगे। और ये हमारा क्रीमी मशरूम सूप रेडी है बिना लहसुन प्याज के। आप लोग घर पे ट्राई करेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। एंड दोस्तों, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।